Double kill. Double kill. First blood. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आईफोन DPI सेटिंग, और उसके साथ मैं आप लोगों को सेंसिटिविटी और कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप करना। और गाइस, अगर आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और गाइस, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार था, इस वजह से जो है ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेटिंग लेके आया हूँ जिसमें 99% तक का हेडशॉट लगेगा आप लोगों का। तो चलो गाइज, अभी चलते हैं सेटिंग की जाने, मैं आप लोगों को सेटिंग बता देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पर मैं एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद डिस्प्ले एंड टेक्सटाइल और टेक्स्ट को आप लोगों ने पहले क्लिक तरह रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर मोशन में जाते हैं, मोशन को भी आप लोगों ने पहले की तरह ऑफ पे रख देना है सबको। इसके बाद टच में जाएंगे, सेंसिटिव टच, सेंसिटिव टच को आप लोगों ने ऑफ पर रख देना है। माउस कीज में जाते हैं, यहाँ पर माउस कीज को आप लोगों ने ऑन कर देना है। और डिजिटल डिले को एक पॉइंट कम करके रख देना है। मैक्सिमम स्पीड को भी एक पॉइंट कम करके रख देना है। और इसके बाद यहाँ पर यूज गेम कंट्रोल को ऑन कर देना है। ट्रैकिंग सेंसिटिविटी को आप लोगों ने 60% पर या फिर 58% पर रख देना है। फीडबैक एक्शन को आप लोगों ने टैप पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर मूवमेंट पर क्लिक करते हैं, मूवमेंट को आप लोगों ने 50 पर रख देना है। सेकंड को 1 सेकंड पर रख देना है। और इसके बाद हैप्टिक टच में जाते हैं, हैप्टिक टच को आप लोगों ने स्लो पर रख देना है। और यहाँ से हम लोगों ने बैक किया। इसके बाद टच कमेंडेशन में जाते हैं, होल्ड ड्यूरेशन को ऑन करके 0.10 सेकंड्स पर रख देना है। और स्वैप गेस्ट को आप लोगों ने अटैक्स पर रख देना है। और यहाँ से हम लोग बैक करेंगे फुल बैक। इसके बाद जाएंगे स्विच कंट्रोल की जानब, यहाँ पर मैं स्विच कंट्रोल पर क्लिक कर देता हूँ। स्कैनिंग स्टाइल को आप लोगों ने मैनुअल स्कैनिंग पर रख देना है। और स्विच कंट्रोल मोड को आप लोगों ने ग्लाइडिंग क्रॉसर पर रख देना है। और ऑटो हाइट को जो है ना आप लोगों ने 15 सेकंड्स पर रख देना है, जबकि मोर रिपीट को ऑन करके 0.18 पर रख देना है। और लॉन्ग प्रेस को ऑन करके 0.20 सेकंड्स पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर टैप बिहेवियर में जाते हैं, टैप बिहेवियर को आप लोगों ने ऑटो टैप पर रख देना है और 0.40 सेकंड्स पर रख देना है। फोकस आइटम आफ्टर टैप को करेक्ट आइटम पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर ग्लाइडिंग क्रॉसर को आप लोगों ने रिफाइंड पर रख देना है और 117 पर। और स्पीच में जाते हैं, स्पीच को भी आप लोगों ने ऑन कर देना है। और लार्ज क्रॉसर को भी आप लोगों ने ऑन कर देना है। और क्रॉसर कलर को आप लोगों ने रेड पर रख देना है। और यहाँ हम लोग बैक करेंगे बिल्कुल लास्ट स्टेप की जानब, यहाँ पर ऐप सेटिंग में जाते हैं। पर ऐप सेटिंग में यहाँ पर फ्री फायर को डिलीट कर देता हूँ आप तो के समझाने के लिए। यहाँ पर दोबारा से फ्री फायर को ऐड किया, फ्री फायर को ओपन किया। लार्ज टेक्स्ट को आप लोगों ने बिल्कुल लो पर रख देना है। और बटन शेप्स को भी जो है ना आप लोगों ने ऑन पर रख देना है। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं गेम की सेटिंग में, मैं आप लोगों को गेम की सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गेम में। यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं, जनरल सेंसिटिविटी को आप लोगों ने 170 पर रख देना है। रेड डॉट को 187 पर रख देना है। कंट्रोल में जाते हैं, कंट्रोल में फायर बटन को जो है ना आप लोग 40 पर भी रख सकते हो, 47 पर भी, 46 पर भी और 50 पर भी रख सकते हो। इन तीनों में आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ से हम लोग बैक करेंगे डिस्प्ले की जानब, यहाँ पर ग्राफिक्स को आप लोग अल्ट्रा पर भी रख सकते हो, स्मूथ पर भी रख सकते हो। बेहतर ये होगा कि स्मूथ पर रखो, स्मूथ पर स्मूथ चलते हैं। और FPS को हाई पर रख देना है। इसके अलावा आप लोग ग्राफिक्स को अल्ट्रा पर भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं करेगा, बस फोन थोड़ा सा हीटिंग करेगा और कोई मसला नहीं करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।